दस्तरखान की दुनिया में मोस्ट वेलकम। श्रीखंड ऐसी रेसिपी है जो सबको अच्छी लगती है, तो आज हम बनाएंगे आलमंड श्रीखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 500 ml दूध। यहाँ पर मैंने 500 ml दूध लिया है, उसे अच्छे से बॉईल करेंगे। देखिए हमारे दूध में बॉईल आ चुका है, अब इसे हम अच्छे से 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद हम गैस की आंच बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। कुछ देर ठंडा करने के बाद जब ये गुनगुना रह जाएगा तब हम अपनी हथेली पर थोड़ा सा दूध लेकर देखेंगे कि ज़्यादा गर्म तो नहीं। देखिए ये बहुत गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म में दही ना डालें नहीं तो दूध फट सकता है। हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब खट्टा दही लिया है, आप थोड़ा कम खट्टा भी ले सकते हैं। हमने इसे जल्दी जमाने के लिए खट्टा दही लिया है। हम इसे अच्छे से चला लेंगे और फिर इसे ढककर कुछ देर के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पर एक पतीली ली है बड़ी साइज़ की और उसके इस पर ढक दिया है। अगर ठंडी की सीज़न है तो इसे 7 से 8 घंटे जमने में लग जाएंगे, और अगर गर्मी की सीज़न है तो ये 4 से 5 घंटे में जमकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 से 5 घंटे बाद हमारा दही अच्छे से जम चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक प्याला लेंगे और उसके ऊपर उसके नाप की एक छन्नी लेंगे और उस प्याले के ऊपर हम ये छन्नी को रख देंगे। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, आप एक रुमाल भी ले सकते हैं या अपना एक दुपट्टे का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब उसे हम इस छन्नी पर रखेंगे और ये पूरा का पूरा दही उसमें डाल देंगे और फिर इस दही को पूरा डालकर हम अच्छे से रुमाल को लपेट देंगे और फिर उसे कवर करके हम फ्रिज में ये चन्नी को रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसे कवर कर लिया है, ज़्यादा टाइट ना बांधे, हल्का सा ढीला कपड़ा बांधे, जिससे क्या होगा कि दही का पूरा पानी इसमें निकल जाएगा। 12 से 13 घंटे तक फ्रिज में रखना है, बाहर ना रखें, इसे फ्रिज में रखें। देखिए ये मैंने फ्रिज में से 12 घंटे के बाद निकाल लिया है, इसमें से ये पानी भी निकला है जो हमारे बहुत काम आने वाला है। इससे हम कढ़ी बना सकते हैं, दही में इस पानी को डालकर छाछ तैयार कर लें और कढ़ी बना लें। आटा गूंदने के काम भी आ सकता है, बहुत से काम आ सकता है। यहाँ पर ये जो दही हमने कपड़े में बांध कर रखा था वो अच्छे से जम चुका है। अब ये गाढ़े दही को हम अच्छे से चम्मच से चलाकर 4 से 5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाली है। अब उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें, देखिए यहाँ पर मैंने बादाम का पाउडर पीस लिया था और ये बादाम का पाउडर हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मिलाएंगे। और फिर इसमें हम 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून के करीब आलमंड एसेंस मिलाएंगे। आप कोई भी एसेंस मिला सकते हैं जो आपको पसंद आ सकता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एक प्याली में निकाल कर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आलमंड श्रीखंड बनकर तैयार है। इसे बादाम से सजाएंगे और आलू और पूरी के साथ सर्व करेंगे। ये आलू और पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका श्रीखंड कैसा बना। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।